नमस्कार, टीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भाजपा अध्यक्ष की चिट्ठी पर से भूपेश बघेल का पलटवार, कहा 15 साल के शासन में भाजपा की नक्सलियों से रही है सांठगांठ। सीएम भूपेश बघेल ने मुलायम सिंह को दी श्रद्धांजलि, कमलनाथ के साथ अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचकर चढ़ाए श्रद्धा की फूल। और करोड़ों से ज्यादा के लाखों नशीली टैबलेट बरामद, नशे के कारोबार के खिलाफ रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अब देखते हैं खबर विस्तार से। तेलंगाना में नक्सलियों को इलाज कराने ले गए बीजापुर के कांग्रेस नेता के पकड़े जाने के बाद प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की है। इस पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा है कि 15 साल के शासन में नक्सलियों से सांठगांठ इनकी रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के आरोपों से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों के साथ सांठगांठ तो इनके रहे हैं, इनका पूरा कार्यकाल उठाकर देख लो, रसीद देते हुए, चंदा देते हुए मंत्रियों के यहां आते हुए पकड़े गए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो झीरम घाटी का है, जो आपराधिक राजनीतिक षड्यंत्र रहा है, उसमें तो ये कुछ कर नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्वर्गीय भीमा मंडावी की हत्या का मामला, वह तो इनके ही विधायक थे, राज्य पुलिस मामले की जांच कर रही थी, उसे NIA ने ले लिया। कितने साल हो गए, उसमें आज तक कुछ हुआ? उसके बारे में अरुण साव पत्र क्यों नहीं लिखते? सांठगांठ तो इनके रहे, इनके कार्यकाल पूरा उठा के देख लो, रसीद देते हुए, चंदा देते हुए और यहाँ मंत्रियों के यहाँ आते हुए। और सबसे बड़ा उदाहरण तो झीरम घाटी है, जो आपराधिक राजनीतिक षड्यंत्र रहा है, उसमें तो कुछ कर नहीं रहे। भीमा मंडावी के बारे में ही, स्वर्गीय भीमा मंडावी जी जो उनके विधायक थे, राज्य पुलिस जांच कर रही थी, उसको NIA ने ले लिया। कितने साल हो गए, लोकसभा चुनाव के समय का है और आज तक कुछ हुआ? उसके बारे में पत्र क्यों नहीं लिखते अरुण साहू जी? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सैफे पहुंचकर दिग्गज समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को साथ लेकर सीएम बघेल मुलायम सिंह के पैतृक गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सैफे पहुंचने पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद दोनों नेताओं को अंत्येष्टि स्थल पर ले जाया गया। वहां उन्होंने समाजवादी नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाद में सीएम ने मुलायम सिंह यादव के पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की लाखों से ज्यादा नशीली टैबलेट बरामद की है। रायपुर के SSP प्रशांत अग्रवाल व CTSP अभिषेक माहेश्वरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों में पुलिस की तरफ से नशीले टैबलेट के खिलाफ हुए एक्शन में यह बड़ी कार्रवाई है। इसमें शहर के अलग अलग थाना इलाकों से कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें दुर्ग का भी एक टैबलेट सप्लायर शामिल है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से इनपुट मिली थी कि आजाद चौक के मुकुटनगर के पास 2 लोग अलग अलग बाइक में टैबलेट बेचने घूम रहे हैं। पुलिस टीम इनके पीछे लगी। आजाद चौक इलाके से ही कियाजुद्दीन उर्फ विकी और जे भास्कर नाम के लड़कों को पकड़ा गया। इनके बैग में 120 अल्प्राजोलम, 144 स्पाज्मो टैबलेट मिले। इसी तरह दुर्ग में मुकेश साहू के ठिकानों पर दबिश दी तो उसके पास से 2 कार्टून में भरकर 28,000 स्पाज्मो टैबलेट रखे मिले, जिन्हें अलग अलग स्थानों पर सप्लाई करने की तैयारी थी। मुकेश से रायपुर के 2 और सप्लायर का इनपुट मिला। राजधानी रायपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर कहीं वायरिंग, कहीं पाइप तो कहीं दूसरे मेंटेनेंस के नाम पर सड़कों की खुदाई की गई है। सड़कों को सुधारने सीएम के निर्देश के बाद अब रायपुर के महापौर एजाज ढेबर भी एक्शन में आए हैं। रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने समीक्षा बैठक में सड़कों की खराब हालत पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सड़कों पर बने गड्ढों की मरम्मत में लेट लतीफी हो रही है, ये नहीं चलेगा। महापौर ने दिल्ली की एजेंसी पर 25 लाख का फाइन लगाने के निर्देश अफसरों को दे दिए। उन्होंने कहा कि अगर काम ठीक से न हो तो उसे ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। बता दें कि दिल्ली की ठेका कंपनी रायपुर में रोड डॉक्टर मशीन से पैचवर्क कर रही है। मशीन के जरिए हर दिन 80 वर्ग फीट सड़क का पैचवर्क किया जा रहा है। कंपनी के लोगों ने बैठक में कह दिया कि खराब मौसम की वजह से काम में देरी हो रही है। इतना सुनते ही महापौर भड़क गए। उन्होंने कहा कि मार्च अप्रैल माह में तो मौसम बढ़िया था, तब भी काम की रफ्तार सुस्त थी। इस पर उन्होंने अधिकारियों को ठेकेदार पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्युमिनियम कंपनी बालको ने त्योहारों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूह के लिए नई पहल की है।
प्रशिक्षण के माध्यम से SHG सदस्यों के लिए विभिन्न उत्पाद बनाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्यशालाओं के माध्यम से बालको प्रतिभागियों को आय सृजन के लिए अतिरिक्त स्रोत बनाने में मदद कर रहा है। कार्यशाला की मदद से अब तक 300 से ज्यादा SHG सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। बालको CEO अभिजीत पति ने कहा कि हम समाज की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB Live के साथ। नमस्कार।